रहनी है जब तक वहाँ से एक मैसेज नहीं आ जाता गाइस, जी वाला जो नीचे लिखा है, प्लीज वेट पेटेंटली विल वी चेक योर विड्रॉल स्टेटस। जब तक ये मैसेज आपको नहीं मिल जाता। हे गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो गाइज, आज मैं आप लोगों को जो गेम में प्रोसेसिंग में पैसा फंस रहा है उसके बारे में बताने वाला हूँ गाइज, पूरी डिटेल के साथ। तो गाइज, मेरा नाम राजू राणा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल के आर लव। तो गाइज, मैं आप लोगों को बता दूँ, इसके 3 पॉइंट हैं। आपको 3 पॉइंट अगर याद रखते हो तो आपका पैसा कभी प्रोसेसिंग में नहीं फंसेगा। नंबर 1 पॉइंट गाइज, आपको अपना बैंक बैलेंस चेक कर लेना है, मतलब अगर चेक करके देख लेना है कि आपका बैंक बैलेंस शो हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आपका बैंक बैलेंस शो हो रहा है तो मतलब बैंक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक में मतलब कोई सर्वर डाउन नहीं है, बैंक सही है। उसके बाद आपको जो गेम खेलते हो उसमें एक मेल का ऑप्शन होगा, मैसेज, जहां मैसेज आते हैं उसे चेक करना है कि कोई मतलब गेम की तरफ से कोई मैसेज तो नहीं आया है कि UPI या बैंक मतलब मेंटेनेंस कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वहाँ पे, तो उसे भी चेक कर लेना है। नंबर दो बात होगी। नंबर 3 बात, आपको हमेशा अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है। अगर आपका बैंक अकाउंट में पैसा नहीं ट्रांसफ़र करना चाहते तो आप UPI से भी कर सकते हो, लेकिन रियर कैश में आपको मतलब रियर कैश में ही आपको UPI में ट्रांसफ़र करना है, अधिकतर आपको बैंक में ही पैसा ट्रांसफ़र करना है। नंबर 3 ऑप्शन यही है गाइज, इन्हीं को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका पैसा कभी नहीं फंसेगा। और गाइज, हो सके तो पैसा सही टाइम पे ट्रांसफ़र करना चाहिए, ये नहीं कि 4-5 रात के रात में कर रहे हो। वैसे तो मैंने रात में भी किया, कभी फंसा नहीं है, और पहले फंसा भी था तो मैं कोई बैंक की प्रॉब्लम होती थी गाइज, मतलब बैंक में जो हम पता ही है, कभी हम गूगल पे से किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं और हमारा पैसा फंस जाता है। अगर आप उसी समय अपना पैसा एक बार बैलेंस चेक कर लें, अगर उसी समय सर्वर डाउन होगा तो आपका पैसा नहीं फंसेगा, आपको पता चल जाएगा कि अभी गूगल पे में पैसा मतलब ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आपको पैसा ट्रांसफ़र करने से पहले आपको अपना बैलेंस को चेक कर लेना चाहिए गाइज। तो गाइज, अब मैं आपको पूरी डिटेल के साथ थोड़ा समझाऊंगा, तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और बात करते हैं गाइज। देखो गाइज, हम गेम पे आ चुके हैं। अब आपको सबसे पहले मेल चेक कर लेना है, तो आपको मेल यहाँ पे करना है जो ऊपर दिख रहा है यहाँ पे, इसी पर चेक कर लेना कोई गेम की तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ट्रांसफ़र में, ये देख लेना। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज, अगर होगा तो उसमें बैंक UPI मेंटेनेंस लिख के आता है, आपने देखा होगा गाइज, तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज। आपको इतना चेक कर लेना है ट्रांसफ़र करने से पहले गाइज, और मैं आपको बता ही रहा हूँ। नंबर 2, आपको अपने बैंक अकाउंट को भी चेक कर लेना है। नंबर 2, बैंक अकाउंट को भी चेक कर लेना है कि आपके बैंक में पैसा ट्रांसफ़र होगा नहीं होगा। उस समय अगर आप बैलेंस चेक कर दो, अगर बैलेंस शो हो रहा है तो बैंक की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और गेम की भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आपको अपना पैसा विड्रॉल करना है, ठीक है जी। मैं और आपको ये भी बता रहा था कि आपको अपने बैंक अकाउंट के थ्रू ही ट्रांसफ़र करना है, तो UPI के थ्रू आपको पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना है, ठीक है गाइज। तो ये हो गया बातें। तो अगर आपका पैसा फंस गया है फिर आपको बातें कैसे करनी है तो वो बताते हैं। तो गाइज, मैं अपने मेल में चले जाता हूँ। तो गाइज, जो मैंने बात की थी प्रोसेसिंग में फंस जाता तो उसके लिए आप क्या करना है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, सर माई विड्रॉल नॉट कम्प्लीट। तो आपसे उनकी बातें होती रहेंगी और आपका जो गेम ID मांगेंगे वो गेम ID आपको दे देना है। गेम ID देने के बाद आपको उनसे जब तक बात करती रहनी है जब तक वहाँ से एक मैसेज नहीं आ जाता गाइस, जी वाला जो नीचे लिखा है, प्लीज़ वेट पेटेंटली विल वी चेक योर विड्रॉल स्टेटस। जब तक ये मैसेज आपको नहीं मिल जाता गाइज, जब तक आपको उनसे मैसेज भेजते रहना है गाइज। अगर वो इस मैसेज को भेज देते हैं आपके पास, अगर वो कहेंगे कि वेट करो, तो आपको उनको मैसेज भेजना है दोबारा फिर से, और आपको जब तक ये मैसेज नहीं मिल जाता आपको, जब तक आपको उन्हें मैसेज में बातें करते रहना है गाइज, क्योंकि वो हमेशा यही टालते रहते हैं, वेट करो, बैंक की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। आप कहना बैंक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपके जो एप्लीकेशन है उसकी प्रॉब्लम है, तो वो आपके ID को चेक करेंगे। वो आपकी ID को चेक नहीं करते हैं, वो खाली ID नंबर मांगेंगे और सीधे आपको एक मैसेज भेज देंगे कि हमने आपकी ID चेक कर लिया, बैंक की प्रॉब्लम है। लेकिन वो बैंक की प्रॉब्लम नहीं है, बोलना कि बैंक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस
फिर वो आपकी आईडी चेक करेंगे और आपका जो गेम आईडी वो डालेंगे, तो उनको एक फिर वहाँ से एक मैसेज आएगा जे वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको, इस मैसेज को आपको ध्यान देना है गाइस। तो अगर जे मैसेज आ जाता है तो आपका पैसा मतलब या तो आपके गेम में आ जाएगा या आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो गाइस कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद गाइस।